तो फ्रेंड अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच से कम नहीं डालना है, आधा चम्मच से ज्यादा नहीं डालना है, और बेकिंग पाउडर डालना है आपको, बेकिंग सोडा नहीं डालना है। अब इसमें हम डालेंगे घी, घी को हम गर्म करके डालेंगे, तो चलिए गर्म करते हैं घी को। तो फ्रेंड दो चम्मच घी को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और गर्म गर्म घी इसके अंदर डालेंगे। तो ये देखिए दो चम्मच घी है डाल दिया हमने और काफी अच्छे से गर्म करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे चम्मच से पहले मिलाएंगे क्योंकि काफी गर्म है, और इस तरह से मिला लेंगे। और अब हम नॉर्मल वाटर लेंगे और नॉर्मल आटा से हम इसका आटा गूंदेंगे। तो चलिए पानी ले लेते हैं, ना ठंडा लेना ना गर्म, बिल्कुल रूम टेम्परेचर का पानी लेंगे। तो फ्रेंड जब घी हमारा ठंडा हो गया, अब हम इसको मिलाएंगे, एक से दो मिनट तक मिलाएंगे, और इस तरह से अच्छे से हमें मिला लेना है ताकि जो हमने पाउडर बनाया है सूजी का, उसके अंदर अच्छे से घी और बेकिंग पाउडर और नमक सब मिल जाए। और इस तरह से जब आप लें तो ये बाइंड होना चाहिए, अगर ये बिखर रहा है तो समझ जाइए आपको थोड़ा सा घी और गर्म करना है। और अब हम पानी लेंगे और इसका हम थोड़ा सा टाइट आटा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा लूज आटा नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए हम इसका आटा लगाएंगे, एक साथ पानी नहीं लगाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने इसका आटा लगा लिया है, अब इसे हम दो मिनट का रेस्ट देंगे। तो चलिए इसे कवर करके हम इसे रख देते हैं। तो चलिए ये देखिए हमने कवर कर दिया, दो मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे, दो मिनट तक का रेस्ट देंगे। तो फ्रेंड दो मिनट हो चुके हैं, आइए चेक करते हैं अपने आटे को। तो देखिए ये हो गया है, अब हम इसे हल्का हल्का सा मथ लेंगे और काउंटर पे रख लेंगे, और इसमें जो एयर होगी इसको हम निकालेंगे इस तरह से आगे करके पीछे करके, इस तरह से एक से दो बार करेंगे बस, और इस तरह से इसे हम गोल कर लेंगे और अब हम इसे बेलेंगे। तो चलिए बेलते हैं। तो फ्रेंड थोड़ा सा सूखा आटा डाल लेंगे यानी मैदा, और आप चाहें तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अब इसे हमें बेलना है, ख्याल ये रखना है कि हमें इसे पतला बेलना है। तो इस तरह से हम इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेलेंगे, बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं बेलना है, और बेलकर बड़ा सा बेल लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से बेल लिया है। तो फ्रेंड इस तरह से बेलने के बाद हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, एक से दो बूंद, और इसे फैला लेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद फिर से हम फोल्ड करेंगे, और अब हम इसे इस तरह से फिर से मोड़ लेंगे। इससे बनने से सॉरी इसको करने से बहुत ही अच्छी लेयर पड़ती है। अब इसे हम फिर से बेलेंगे। तो फ्रेंड देखिए इसे वापस से मैंने बेल लिया है, और इसे थोड़ा सा पतला करेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा पतला करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे पतला बेल लिया है, बस ख्याल ये रखना है ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए कहीं से। अब इसे हम कट करेंगे, कट कैसे करना है हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड कॉफी का ढक्कन ले लेंगे और इसे इस तरह से कट करेंगे, और इस तरह से हम कट करते जाएंगे सारे, और पूरा कट कर लेंगे फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से कट कर लिया, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने सारे कट कर लिए हैं, देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे और अब इसके ऊपर हम पानी लगाएंगे। तो पानी ले लेते हैं और इसके हम सेंटर सेंटर में यहाँ यहाँ से पानी लगाएंगे, और इसको हम इस तरह से प्रेस कर देंगे, देखिए इस तरह से, ऐसे करके हमें तीन तैयार करने हैं। तो देखिए इसके हमें इस वाले हिस्से और यहाँ पे पानी लगाना है, और इसको हमें ऐसे लॉक कर देना है इस तरह से। तो ये देखिए दो हो गया, और ये हमारा गया तीसरा। तो तीसरे पे भी हम ऐसे ऐसे पानी लगाएंगे और इसको हम इस तरह से प्रेस कर देंगे। अब हम तीन रखेंगे, चलिए रखते हैं। तो फ्रेंड देखिए मैंने तीन रखे हैं, और तीनों को हम इस तरह से एक के ऊपर एक लगा चुके हैं। अब हमें क्या करना है, एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, हम नाइफ लेंगे और इसे हम इस तरह से प्रेस करेंगे, देखिए बिल्कुल नीचे तक, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे सेंटर पे पानी लगाएंगे इस तरह से, और इन दोनों को हमें ऐसे करके लॉक कर देना है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे पानी लगाएंगे और इसको हम इससे लॉक करेंगे, और यहाँ पे हल्का सा वाटर लगा के इसको हम इससे लॉक करेंगे, देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे हम वाटर लगा के इसको इस तरीके से लॉक करेंगे। तो सारे को हम एक दूसरे से कनेक्ट करते जाएंगे, ये देखिए इस तरह से, और ये गया हमारा ये। तो इस तरह से ये फूल हो जाता है रेडी, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसी तरह हम अपने सारे फूल बनाकर आपको दिखाते हैं जितने ये बन पाएंगे। तो फ्रेंड देखिए ये बन गया है, अब इसे हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो 5 मिनट हम इसे ऐसे छोड़ देंगे बाहर और चलते हैं, तब तक हम एक अमेजिंग सा काम कर लेते हैं, चलते गैस की तरफ। तो फ्रेंड आगे गैस की तरफ एक कढ़ाई रख दी, अब इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, 2 कप पानी हमें इसके अंदर डालना है, और पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे पहले। तो फ्रेंड जब पानी हमारा बॉईल हो जाएगा, हमने एक ग्रीन चिली को बीच से कट कर लिया वो डाल देंगे, और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे केवड़ा 2 बूंद,
अगर आपके पास केवड़ा ना हो तो आप रोज वाटर भी डाल सकते हैं, सिर्फ दो बूंद डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। और इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे, एक मिनट तक, और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। ऐसा करने से जो इलायची और केवड़े का फ्लेवर होता है वो पानी में अच्छे से उतर जाता है। फिर उसके बाद जब आप शुगर डालते हैं तो बहुत ही अच्छी चाशनी बनकर रेडी होती है। तो फ्रेंड अब इसमें हम एक कप शुगर डालें यानी चीनी, कुछ लोग इसे शक्कर ही बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यहाँ पे हमने ख्याल रखा है मोटी शुगर का इस्तेमाल किया, अगर आप बारीक वाली शुगर डाल लें तो आपको डेढ़ कप लगेगी। और वेट नहीं है, 150 ग्राम है, और इसको डालकर हमें अच्छे से मेल्ट करना है। तो इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे और देखिये शुगर हमारी मेल्ट हो गई। अब इसमें हम फूड कलर डालेंगे थोड़ा सा, ताकि अच्छा सा कलर आए। तो मैं ऑरेंज वाला इस्तेमाल कर रही हूँ, आप येलो वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो पिंच ही मैंने डाला है और इसको डालकर हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और इसकी हम थोड़ी सी गाढ़ी चाशनी बनाएंगे, एक तार दो तार की जरूरत नहीं है। तो कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको दो मिनट तक पकाएंगे। तो फ्रेंड दो मिनट हो चुके हैं, अब आपको चम्मच लेना है और इस तरह से चेक करना है कि आपकी चाशनी हल्की सी उंगलियों में चिपक रही है या नहीं। बहुत ज्यादा नहीं चिपकनी चाहिए, हल्की सी। तो देखिए हल्की सी चिपक रही है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और बहुत ज्यादा इसमें ना तार बनना चाहिए, ना एक तार ना दो तार, बस हल्की सी चिपचिपाहट होनी चाहिए। तो देखिए हमारी चाशनी डन हो गई है। और अब हम चाशनी को बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे, और इस स्टेज तक हमें चाशनी को पकाना है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और चाशनी को उतार कर रख देंगे ठंडा होने के लिए। बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा करना है कि हम इसमें जब उंगली डाले तो अच्छे से छू पाए, हल्का सा गर्म होना चाहिए। तो चलिए फटाफट इसे उतार लेते हैं, नहीं तो ये और पक जाएगी। तो फ्रेंड 5 मिनट हो गए, ये बढ़िया से सेट हो गए हैं। अब हमने तेल रखा है और हमने रिफाइंड ऑयल लिया, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से गर्म करेंगे, फिर इसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से तेल लग गया है। अब हम इसको डालेंगे थोड़ी सी लोई को और देखेंगे कि ऊपर आ रही है या नहीं। तो देखिए ऊपर नहीं आ रही, तो हमें तेल को भी और पकाना है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और थोड़ा तेल और पकाएंगे। तो चलिए फिर से डालते हैं छोटी सी लोई और देखते हैं। तो ये देखिए अब ये तेजी से ऊपर आ रही है, तो यानी तेल हमारा डन हो गया है। अब हम निकाल देंगे और तेल अब जब अच्छे से गर्म हो जाएगा गैस के फ्लेम को लो कर देंगे। थोड़ा सा फैले बर्तन का इस्तेमाल करना है, आप कढ़ाइया भी ले सकते हैं यानी कढ़ाई भी ले सकते हैं। और इस तरह से हम अपने फूल्स को इसके अंदर डाल देंगे, कितनी प्यारी डिजाइन लग रही है इस तरह से। तो तीन ही डाले हैं, तीन तीन डाल के बनाएंगे। आपकी कढ़ाई बड़ी हो यानी पैन बड़ा हो तो आप इसमें 6 डाल सकते हैं। तो 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट के बाद हम इसके ऊपर इस तरह से ऑयलिंग करेंगे हल्की हल्की इसके लेयर के ऊपर, ताकि ये कुरकुरी हो जाए। अब हम इसकी साइड को बदल देंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हो गया है। बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि चाशनी में जाकर ये हल्का डार्क रंग की हो जाएगी। तो इसे दूसरे साइड से भी हम 2 मिनट पकाएंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, देखिए दूसरे साइड से भी अच्छे से डन हो गए हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है। और अब हम क्या करेंगे, 10 सेकंड इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि ये अच्छा सा क्रिस्पी हो जाए। 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं पकाना है। तो 10 सेकंड के बाद हम इसे इस तरह से साइड करते हुए निकाल लेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। मैंने इसे लाइट रखा है, आप चाहे तो हल्का सा ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राउन ये अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से हम थोड़ा सा साइड में करते हुए इसे निकाल लेंगे और दूसरा बैच भी हम इसी तरह पकाएंगे। तो देखिए पहले और अब के कलर में कितना डिफरेंट है। मैंने इसके हल्का सा ब्राउन रखा है, मतलब गोल्डन, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया है। अब हम दूसरा भी इसी तरह डाल देंगे और सेम पहले वाले की तरह इसे ही बना लेंगे। तो फ्रेंड देखिए ये बनकर रेडी हो चुके हैं, कितना प्यारा कलर आया है, बिल्कुल हल्का सा मैंने रखा है। अब इसको हम अपनी चाशनी के अंदर डाल देंगे जो हल्की सी गर्म है, और इसमें डालकर हम एक साइड इसे 2 मिनट रखेंगे और दूसरे साइड भी हम इसे 2 मिनट रखेंगे। 1 मिनट रखने के बाद फिर 2 मिनट रखने के बाद हम इसे चेंज करेंगे इसकी साइड को। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसके हम दूसरी साइड को ही बदल देंगे इस तरह से। और देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है। और इस मीठे को आप पूरे महीने स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसकी साइडों को बदल देंगे और दूसरे साइड से भी हम इसे 2 मिनट रखेंगे, ताकि ये चाशनी पी ले। तो फ्रेंड 2 मिनट हो गया, अच्छे से चाशनी पी ली, अब इसे हम निकालते हैं। चलिए तो ये देखिए हमारी मिठाई बनकर रेडी हो चुकी है, जिसे आप मेहमानों को देंगे तो वो खुशी से झूम उठेंगे। बहुत ही अच्छे से चाशनी इन्होंने ऑब्जर्व कर ली है। अब इस पर हम थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे। तो फ्रेंड थोड़ा सा सूखा नारियल का लच्छा इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि ये खूबसूरत लगे। और आप इसे अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी मिठाई कितनी मक्खन मलाई की तरह है। देखिए चम्मच इसके अंदर कितने अच्छे से जा रहा है, इस तरह से बिल्कुल अच्छे से कट रही है। तो यार ये चाशनी को बिल्कुल ऑब्जर्व कर चुकी है, और इसकी जो चाशनी है वो क्या कहें।
देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है मिठाई और मैं इसे एंजॉय करने वाली हूँ। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए और इस होली में इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और बिल्कुल अच्छे से देखिए चम्मच हमारा गया है, कितने अच्छा इसका लुक लग रहा है और आप इसे और किसी चीज से भी डेकोरेट कर सकते। तो फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले। और आपको इस रेसिपी में क्या अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगली रेसिपी आप क्या देखना चाहते हैं वो भी कमेंट किया कीजिए। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ, आप भी बनाइए और पूरे महीने मिठाई खराब नहीं होगी क्योंकि इसमें चाशनी अच्छे से हमने पकाई है। अगर आप चाशनी अच्छे से नहीं पकाते तो आपकी मिठाई खराब हो जाती है। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं इसे एंजॉय करती हूँ, आप भी बनाइए, खाइए। बाय एंड टेक केयर, हैप्पी होली बाय ऑल डियर व्यूअर्स एडवांस।